हेलो फ्रेंड्स, स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। ये वीडियो है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने पे है, ठीक है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट का बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम लोग आरआरबी का, ध्यान से सुनिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का, चेन्नई बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखने जा रहे हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को बताया जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा आपको जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी जो है आपको 100% प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है ये। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके आप लोगों को डाटा कलेक्ट करके जो है ना, आप ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर कर देने से एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और भी जो है ना महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और भी बोर्ड का जो है ना स्पेशल कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना करके अपलोड कर दिया गया इस चैनल पे, तो देख लीजिए। कुछ कुछ बोर्ड का बचा हुआ है, तो आप लोग जो है ना बने रहिए चैनल पे, आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको उसका इन्फॉर्मेशन पता लग सके, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आरआरबी का चेन्नई जोन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो तैयारी करने में सीबीटी 2 का काफी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरआरबी का सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आएगा ना, वो आपको पोस्ट वाइज आएगा। देखिएगा, आरआरबी का जो है ना सीबीटी 1 का जो है, आपको एक स्टूडेंट मालदा बोर्ड पे जो है ना आरटीआई डाला था, जिसका रिपोर्ट जो है ना जवाब में आंसर आया है कि देयर विल बी सेपरेट कट ऑफ ऑफ सीबीटी 1 ऑफ ईच पोस्ट, यानी सीबीटी 1 का सेपरेट कट ऑफ जाएगा, पोस्ट वाइज जाएगा। जो आपने फॉर्म को फिल करते वक्त पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, उसी के बेसिस पे, नंबर बेसिस पे आपको जो है ना कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ पोस्ट का कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ कुछ पोस्ट का लो कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना। क्या क्या आपको सीन होने वाला है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई स्टूडेंट अगर रेलवे का जेई एग्जाम दिए होंगे, उनको पता होगा कि सीबीटी 1 जो रिजल्ट आया था, वो आपको पोस्ट वाइज उन लोगों का जो है रिजल्ट आया था। उसी तरीका से आपको इस वर्ष जो है एनटीपीसी में पोस्ट वाइज जो है ना, पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ सीबीटी 1 में आएगा, ताकि सीबीटी 2 का जो आपको लेवल वाइज एग्जाम होगा, उसमें जो है वो आसानी से आरआरबी जो है लेवल वाइज एग्जाम करा सकेगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 1/2019 सेंट्रल लाइन नोटिफिकेशन, ये मालदा बोर्ड का है, ये जो है 1/2019 आरआरबी एनटीपीसी का है। चलिए अब हम लोग कट ऑफ की ओर बात करते हैं। तो कट ऑफ की बात करने से पहले आपको एक नजर डालना पड़ेगा 2016-17 में जो वैकेंसी आया था ना एनटीपीसी का, उसका क्या कट ऑफ गया था। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में चेन्नई जोन का। तो चेन्नई जोन में देख सकते हैं 976 टोटल वैकेंसी आया था, जिसमें से आपको पता है कि सीबीटी 1 हो जाने के बाद जो है ना, कुछ कुछ बोर्ड में जो है ना, कुछ कुछ का लगभग ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में कुछ न कुछ सीट को जो है कम किया गया था, ऑफिशियल नोटिस जो है जारी किया गया था। तो इस बोर्ड में, चेन्नई बोर्ड में 357 वैकेंसी को जो है डिक्रीज किया गया था, 976 टोटल वैकेंसी था, यानी फाइनल वैकेंसी जो रह गया था 619 वैकेंसी रह गया था, और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट को, 619 स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जो 976 है ना, ये इसी पे आपको जो है ना सीबीटी 1 का जो है कट ऑफ निर्धारित किया गया था, यानी मान के चलते 976 सीट था, तो इस पे क्या कट ऑफ जो है यहाँ पे पिछले वर्ष गया था, वो आपके सामने यहाँ पे रहा। ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ 2015-16 का एग्जाम का है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि आपको जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 31/3 था, आरआरबी एनटीपीसी का 31/3/2019, उस वक्त अगर बात करते हैं तो एक सीट पे 304 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अब आपको आरआरबी चेन्नई जोन में इस वर्ष जो सीट है 2694 सीट टोटल है, ठीक है ना। और पिछली वर्ष सीट कितना था जी, तो पिछली वर्ष जो सीट था 976, जिसमें से बच गया था कितना, 619 सीट फाइनल बचा था। यानी कहने का मतलब उतना सीट पे कट ऑफ आपको इतना गया था, ठीक है ना। यानी 8,20,689 स्टूडेंट इस जोन में जो है इस वर्ष रजिस्ट्रेशन किए हैं। 181 यहाँ का बोर्ड का कोड है। आपने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपको जो है इस टाइप का जो है ना सीरीज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ठीक है ना। और 8,20,689 स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो आपको पता है
कि यहाँ पे इतना रजिस्ट्रेशन किए हैं और पिछली बार जो सीट उतना कम था, कम कहने का मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 976 सीट था सीबीटी वन में, सीबीटी टू जाते जाते 619 सीट बच गया था, यहाँ पे सीट कम किया गया था। 976 सीट पे कितना बच यहाँ पे कट ऑफ गया था, जनरल का 72 गया था, ओबीसी का 69 गया था, एससी का 57.67, एसटी का 46.84 और यूआर का 72.14 एंड ओबीसी का 69.11 गया था। ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। आपको पता है कि मेन जो फंडा होने वाला, क्योंकि आपको पता है 3-4 महीना से जेल लगातार एग्जाम हो रहा है जो हो रहा है, तो मेन जो फंडा होगा आपको एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन का खेल होने वाला है। पिछले वर्ष क्या हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो आपको जो हुआ था वो आपको बहुत से कुछ कुछ शिफ्ट में जो है ना बहुत से नंबर इंक्रीज हुए थे, कुछ कुछ बच्चे को जो है ना लगभग 25 से 30 नंबर तक भी इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आरआरबी का जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हुआ है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। तो आप एग्जाम जो हो रहा है जो लगभग स्टूडेंट का जैसा यहाँ पे रिव्यू आ रहा है लगभग जो है 50-60% स्टूडेंट ही प्रेजेंट हो पा रहे हैं एग्जाम में, तो मान के चलते हैं हम लोग 50-60 नहीं मान के चलते 70% अगर स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं तो 8,20,679 स्टूडेंट में से अगर 70% की बात करते हैं, ठीक है ना, 8,20,689 स्टूडेंट में अगर 70% की बात करते हैं तो 5,74,882 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिया है। यानी एक सीट पे कितना फाइट कर रहा है जी, तो जो है 213 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहा है। और टोटल इस वर्ष वैकेंसी जो है देख सकते हैं आरआरबी का ऑफिशियल जो है यहाँ पे 2694 वैकेंसी टोटल है, 2694 वैकेंसी, ठीक है ना। तो 2694 वैकेंसी का आपको 20 गुना रिजल्ट सीबीटी वन में जो है ऑफिशियल इसको आरआरबी को देना है, तो 20 गुना रिजल्ट देगा, तो यानी 53,880 स्टूडेंट को सीबीटी वन में जो है ये पास करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है ना। यानी 53,880 स्टूडेंट को इस जोन से सीबीटी वन में रिजल्ट आएगा सीबीटी टू एग्जाम देने के लिए। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देख सकते हैं ये जो है कट ऑफ मैं आपको निर्धारित किया हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि जनरल का अगर 64 नंबर के आसपास बन रहा है तो आप सीबीटी टू का प्रिपरेशन में लग जाओ, देखो नहीं सोचो नहीं, क्योंकि सीबीटी टू ही मेन आपका, उसी के बेसिस पे आपको जो है जॉब लगने वाली है, ठीक है ना, मेरिट उसी के बेसिस पे बनने वाली है। तो जनरल का अगर 64 के आसपास बन रहा है तो आप जो है सेफ स्कोर में अभी हो, ठीक है। ओबीसी का अगर 62 के आसपास नंबर बन रहा है तो भी आप सेफ स्कोर में हो। ईडब्ल्यूएस के अगर 60 के आसपास नंबर बन रहा है तो ये भी आपका सेफ स्कोर है। एससी के अगर 58 के आसपास नंबर बन रहा है ये भी सेफ स्कोर है। एसटी के 54 के आसपास नंबर बन रहा है तो ये भी सेफ स्कोर है। ये मैं आपको जो है सेफ स्कोर बता रहा हूँ ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जो आपने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे कितना सही किए हैं। अगर इसके आसपास भी आपको अगर मान के चलते हैं +2 या -2 भी इसके आसपास है ना, 2-3 नंबर कम भी है तो भी आप जो है आसानी से सीबीटी वन क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, बशर्ते आप मेहनत करो सीबीटी टू के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया गया है। जब आपको नॉर्मलाइजेशन होगा तो कुछ कुछ बच्चे का कुछ कुछ शिफ्ट में जो हार्डनेस हार्ड शिफ्ट होगा उसका कुछ नंबर ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाली है। यानी मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है ना 10-15 नंबर तक जो हार्डली इंक्रीमेंट होने वाला है, पहले की तरह नहीं है कि मतलब 30-35-25-30 नंबर जो है इंक्रीमेंट होगा, इस वर्ष उतना नहीं इंक्रीमेंट होगा क्योंकि आरआरबी का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हो गया है, ठीक है ना। यानी इसके आसपास भी अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सीबीटी टू का जो है ना आप आसानी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको मेन जो फंडा होगा आपको सीबीटी टू के बेसिस पे ही आपको मेरिट बनने वाली है। सीबीटी वन में क्वालिफाई करने के लिए इतना सेफ स्कोर है काफी है, इतना नंबर जो है ना काफी है, क्योंकि जो है आपको सीबीटी वन जो है जस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर है सीबीटी टू एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। तो इसके आसपास में अगर जनरल के अगर 64 नंबर, ओबीसी का 62 नंबर, ईडब्ल्यूएस 60 नंबर एंड एससी 58 नंबर, एसटी 54 नंबर, इसके आसपास नंबर बन रहा है तो आप बेशक सीबीटी टू के तैयारी में अभी से ही लग जाओ, ठीक है ना। इसके आसपास इसमें अगर 2-3 नंबर कम भी है फिर भी आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो है ना आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना, एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और भी जोन का जो है ना, आप लोग अगर वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, तो मैं जल्द ही आपको जो है ना बहुत उस सभी जोन का अपलोड कर दूंगा। अभी जो है लगभग इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल जोन, चंडीगढ़, चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, और यहाँ पे कोलकाता जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, सिकंदराबाद हो गया, इतना जोन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। बाकी जोन का भी अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो जल्दी जो है एनालिसिस करके आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का भी जबरदस्त तरीका से तैयारी कराया जाता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।